नमस्कार। व्रत में खाने के लिए सबसे इजी होती है साबूदाने की खिचड़ी, जो हर घर में बनाई जाती है। लेकिन ये परफेक्ट कैसे बनाएं? ये कभी चिपचिपी होती है, कभी होती है अंदर से कच्ची। तो आइए देखते हैं इसे परफेक्ट कैसे बनाना है। इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1 कप साबूदाना, 1/2 कप सिंगदाना, 1 छोटा आलू, घी लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच, थोड़ी सी कोथमीर ली है, कड़ी पत्ता लिया है, 2 हरी मिर्च है, जीरा लिया है 1/2 टीस्पून, शुगर आप चाहे तो ले सकते हो, ये ऑप्शनल है, नमक 1/2 टीस्पून। पहले हम ये साबूदाना धो के लेंगे। इसका जो सफ़ेद पानी निकलता है स्टार्च वाला, इसे निकाल देंगे। साबूदाने को 2 बार धोना है, ये मैंने धो लिया। अभी इसे भिगो के रखना है। भिगोने के लिए इसमें पानी डालना है, तो पानी इसके ऊपर तक आ जाए इतना ही पानी डालना है। ये साबूदाना है और इसके थोड़ा सा ऊपर पानी है। अब इसे हम भिगो के रखेंगे 6 से 7 घंटे। सुबह बनानी है खिचड़ी तो आप रात को इसे भिगो के रखिए, अगर शाम को बनानी है तो सुबह इसे भिगो के रखिए, तो ये अच्छी तरह से फूल के आएंगे। दूसरी बात है कि साबूदाने एकदम बारीक वाले जो रहते हैं तो उसे कम टाइम लगता है, लेकिन पानी इतना ही लगेगा, तो इससे क्या होगा, साबूदाना अच्छी तरह से भीग जाएगा। ये साबूदाना तैयार हो गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल मोतियों के जैसा बना है। इसे दबाओ तो ये पूरा दब जाएगा, इस तरह से इसका आटा बन जाएगा। तो ये इस तरह बनना चाहिए, बिल्कुल दबना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी दाना रह जाए तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐसे ही ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए और फिर वापस इसे 1/2 घंटा रख दीजिए। तो ये साबूदाना अब हमारा रेडी है। हम ये सिंगदाना भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ, तो इससे क्या होगा ना, इससे इसके जो छिलके हैं ये जल्दी जल्दी निकलेंगे। बिल्कुल हल्का सा पानी डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालने की वजह से ये सिंगदाने चटकने लगते हैं, इसमें से चटकने की आवाज़ आ जाती है। इसे इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, नहीं तो फिर अंदर से सिंगदानों का कलर भी लाल हो जाता है, तो हमें ये सफ़ेद चाहिए। तो धीमी आंच पर इसे भून लेना है। ये सिंगदाने अब हमारे रेडी हो चुके हैं। इन्हें ठंडा करेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। ये सिंगदाने ठंडे हो चुके हैं, इसके छिलके बड़ी आसानी से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो बड़ी आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। तो इन्हें हाथ पे ऐसे लेके थोड़ा सा मसल देना है। और किचन सिंक में इसे थोड़ा सा हवा दे दो तो पूरे छिलके उड़ जाएंगे, ये इस तरह से निकल जाएंगे। इसे हाथ पे लेके थोड़ा सा मसल दो तो छिलके पूरे निकल आएंगे। ये सिंगदाने रेडी है, अब हम इसे पीस लेंगे। पीसते वक्त ध्यान रखिए कि इसको पर एक ही बार घुमाना है, इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस इतना ही हमें करना है, ताकि इसके आधे सिंगदाने जो है कच्चे अखे रह जाए और आधे की पाउडर बन जाए। तो इस तरह से ये
आधी पाउडर बन गई है और थोड़े से कच्चे रह गए, तो आपको मिक्सी एक ही बार घुमाना है। हम इसमें ये सिंगदाने का कूट डालेंगे जो हमने पाउडर बनाया हुआ है। मैंने ये आधा कप सिंगदाना लिया था, आप चाहो तो आधा कप आपके घर में अगर रेडी है ये तो आप रेडीमेड पाउडर डाल सकते हो, तो सेम हो जाता है। आधा कप सिंगदाने से आधा कप पाउडर बनता है। अब इसमें नमक डालूंगी मैं, थोड़ी सी शक्कर, ये ऑप्शनल है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो साबूदाने बिल्कुल खिले खिले हैं, मोतियों जैसे हैं, लेकिन अंदर से कच्चे भी नहीं हैं, पूरी तरह से दब रहे हैं। तो साबूदाने हमें इसी तरह से लेने हैं। ये हमने डाल दिया इसमें सिंगदाने का पाउडर। घी लेंगे 2 टेबलस्पून, घी गरम हो चुका है। जीरा डालेंगे इसमें, जीरा चटकते ही इसमें डालेंगे हरी मिर्च और करी पत्ते के लीव्स। फिर इसमें डालेंगे एक छोटा सा आलू, ये आलू आप कच्चा भी डाल सकते हो, तो कच्चा डाल के इसे भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना, साबूदाने को बस 5 मिनट तक पकाना है। ये बहुत जल्दी पकता है, आप इसे अगर ज़्यादा देर पकाओगे तो ये चीवी हो जाएगा। एक कप साबूदाने से आप देख सकते हो 2 लोगों के लिए खिचड़ी बन गई है। पाँच मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें डाल देती हूँ कोथमीर। ध्यान रखिए इसका कलर चेंज होते ही गैस बंद करना है। ये खिचड़ी हम मीडियम गैस पर ही पकाएंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल चिपकती नहीं है खिचड़ी, बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, मोतियों के जैसे इसके साबूदाने हैं। 2 मिनट तक मैं इसे अभी ढक के रखूंगी। ये खिचड़ी अभी हमारी रेडी है, निकाल रही हूँ। मीठे दही के साथ ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। इस खिचड़ी में आप चाहो तो सेंधा नमक यूज़ करो, क्योंकि कोई कोई सेंधा नमक यूज़ करते हैं, सादा नमक व्रत में नहीं खाते हैं। ये खिचड़ी बड़ी अच्छी बनी है, मैं इसे मीठे दही के साथ पसंद करती हूँ, तो आप इसे मीठे दही के साथ भी खा सकते हो। तो ज़रूर बना के देखिए, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।